हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग, लिखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बताया गया है हमारे भारत देश के दुश्मन मुल्क खास तौर से पाकिस्तान बहुत कोशिश कर रहा है कि भारत के दोस्त मुल्क भारत से अलग हो जाएं। लेकिन जब इरादे सच्चे हों, नेक होते हैं और साथ ही साथ कई ताकतों के साथ होते हैं, तो दुश्मन केवल सोच सकता है, कुछ कर नहीं सकता। आइए सुनते हैं। से लोग, बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। सबसे पहले सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद आरजू जी। थैंक यू। और सबसे पहले हम आपसे ये पूछते हैं कि मुझे ये बताइए कि ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर अभी रिसेंटली सीज फायर का कहा गया है और दोनों तरफ से फायरिंग बंद हुई है, जिससे कि दोनों तरफ के जो सिविल एरियाज हैं, यानी जो लोग रहते हैं, आबादी जो वहां की है, उनके लिए अच्छा हो गया है कि वो लोगों की बचत हुई है, वरना उनको गोलियां लग जाती थी और कुछ ना कुछ मसला रहता था। मैं तो इस चीज को बहुत सपोर्ट करती हूँ। आप इसको कैसे देखते हैं? अर्जुन जी, इसके लिए थोड़ा सा हमारे को भगवान श्री राम का एक रामचरितमानस है, तुलसीदास जी का लिखा हुआ, उसके अंदर एक एक प्रसंग आता है जब समुद्र से वो तीन दिन से विनती कर रहे होते हैं कि साहब रास्ता दे दीजिए, और रास्ता देते तो कहते हैं रामचरितमानस में तुलसीदास जी के, कि बिनय न मानत जलदि जड़, गए तीन दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो बिना डर के प्यार भी नहीं होता। तो ये जो प्यार का इजहार पाकिस्तान की फौज की तरफ से आ रहा है, बाद साहब की तरफ से आ रहा है, इमरान खान साहब की तरफ से आ रहा है, आपके ISPR की तरफ से आ रहा है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण एक भय भी है, डर भी है। और वो डर आपका उतना था या नहीं था, पर जब चीनी यहां से एकदम सरपट दौड़े, आपने देखा होगा वो रिट्रीट की जो स्पीड थी वो डिप्लॉयमेंट की स्पीड से चार गुना ज्यादा थी, इतनी जल्दी में भागे वहां से वो, तो कहीं ना कहीं उसका एक असर डेफिनेटली पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के ऊपर, पाकिस्तान की मिलिट्री थिंकिंग के ऊपर, स्ट्रेटजीज के ऊपर कहीं ना कहीं आया होगा। चाहे वो आपके मुईद यूसुफ है, मेरा ख्याल है उनके तरफ से भी होगा कि भाई अब थोड़ा सा मैं बोलूंगा, आप बुरा ना मानिएगा कि जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज तो नहीं है, पर अबू भाग गए हैं तो जरा बेहतर होगा कि बच्चे भी जरा पीछे हट लें थोड़ा सा, और जिसे हम अगर आप बुरा ना माने दोबारा तो औकात में आ जाए तो अच्छा रहेगा। बहरहाल बात यह है कि आपने बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो प्रेजेंट किया, मेरा नहीं ख्याल बहुत ज्यादा डिस्कस हुआ है कि LOC के ऊपर, क्योंकि उस तरफ जो सिटीजन्स हैं ऑक्यूपाइड कश्मीर के, वो भी हमारे ही हैं, टेक्निकली तो भारतीय है ना, हिंदुस्तानी है वो, इलीगल ऑक्यूपेशन आपकी फौज का है वहां पर, आपका इलीगल ऑक्यूपेशन है। तो ये जो क्रॉस फायर होता है LOC के ऊपर, जो सीज फायर वायोलेशन होता है, और इतना मैसिव रिटेलिएशन इंडियन आर्मी की तरफ से, हम कहते हैं मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं जब एक सिविलियन डैमेज होता है तो हम महसूस करते हैं कि साहब है तो वो हमारे ही, अब वो जबरदस्ती आपके कब्जे में है, मकबूजा कश्मीर, आपने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसको आप आजाद कश्मीर कह दीजिए, कुछ कह दीजिए, आप वो नोमेनक्लेचर कुछ भी रख लीजिए, पर उस तरफ के जो हमारे सिटीजन है, और इस सीज फायर से कुछ राहत जो है वो पाकिस्तान आर्मी को तो खैर मिलेगी मिलेगी, उनकी पिटाई कम होगी बेचारों की, उनकी तरफ जो लोग मारे जाते हैं, शहादतें होती हैं, हलाक होते हैं, हम तो वो भी कुछ कम हो गए, पर जो हमारे सिटीजन आपकी ऑक्यूपेशन में है उनके लिए भी रिलीफ है। तो ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट आज रेज किया है, अच्छा पर्सपेक्टिव है, अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो सिविलियन लाइव्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द LC विल बी रिलीव, थोड़ा उनको भी सुकून का सांस मिलेगा, कुछ उनको भी चैन मिलेगा। बिल्कुल ठीक, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये कितने दिन चल सकेगा, क्योंकि पहले भी एक बार हुआ था, 3 साल तकरीबन चला था, उसके बाद फिर शुरू हो गया, और ये तो सर दोनों तरफ से बात होती है, एक तरफ से तो ताली नहीं बजती है। जब आपने इन्फिल्ट्रेटर्स को पुश करना होता है दिन में रात में, नदी नालों पत्थरों पेड़ों के पीछे से जब आप दहशतगर्द यहाँ पे पुश करते हैं, तब आप उनको कवरिंग फायर देते हैं, दैट इज व्हेन यू वायलेट द सीज फायर। तो सीज फायर वायोलेशन तो जब तक आप वहां से इन्फिल्ट्रेटर नया पुश नहीं करेंगे 3 साल या 30 साल, बात तो एक ही, आप वहां से मत भेजिए, आप उनको जो एक आपका मिलिट्री सपोर्ट है मत दीजिए, और आपको एक भी गोली चलाने की जरूरत नहीं है। इंडिया इन 1000 ईयर ऑफ हिस्ट्री, हमने किसी मुल्क के ऊपर हमने आक्रमण किया ही नहीं कभी, हमने अटैक ही नहीं किया।
आपको अगर समुद्र से जलजला को उठ के आ जाए, कोई सुनामी उठ के आ जाए, ईरान आपके ऊपर चढ़ दौड़े, हम कह नहीं सकते, पर इंडिया ने तो आपके ऊपर अटैक नहीं किया। आपके पास हमारा ऑक्यूपाइड कश्मीर, आप रिट्रीट कर लीजिए, बात खत्म हो जाती है। हमारा तो झगड़ा ही इतना ही है उसके साथ, उसके अलावा तो हमारा आपका कोई झगड़ा ही नहीं है। कुछ चीजें तो आपके करने की, हमारे करने की तो है नहीं ना, कहीं ना कहीं सुधरेंगे तो आप ही, हम तो आपको सुधार नहीं सकते। अगर आप चाहते हैं कि इंडिया या इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन आर्मी आके वहां पे इंटरवीन करे और आपसे जो दहशतगर्द काबू में नहीं आ रहे उनको काबू करे, तो आप बताइए एक बार, हम तो आपके कहे बिना भी आपकी मदद कर देते हैं जी, चाहे बालाकोट में हो चाहे उरी के बाद, हम तो आपके बिना कहे भी आपकी मदद करते हैं। अगर आप मदद करें, आप मांगेंगे तो हम पक्का करेंगे, कोई समस्या नहीं है। मुझे एक चीज और बताइए सर, के आपकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने एक गाइडलाइन इशू की है जो कि मीडिया के लिए है, और उसको बहुत से जो सीनियर एडिटर्स हैं उन्होंने कंसर्न भी शो किया है, बहुत लोगों ने तारीफ भी की है, वो कहते हैं कि जी इससे फेक न्यूज और जिस तरह का प्रोपेगेंडा किया जाता है वो रोक पाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या ये ठीक है, क्या ये फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर तो नहीं एक कोई क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि उसे रोका जा रहा है, या उससे आपकी न्यूज बेटर हो जाएगी? आप फिल्म के अंडर ना कि प्रेस के अंडर, तो जो आप इन्फरेंस ड्रॉ कर रहे हैं ना कि फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड स्पीच ऑफ, ये सब उसके ऊपर नहीं है, वो ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर पब्लिश होने वाला जो भी कंटेंट है उस कंटेंट के लिहाज से या उस कंटेंट की नजर से वो ऑर्डर्स आए हैं, ठीक है। तो प्रेस का इसके अंदर कुछ नहीं है। और मैं आपको, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, मुझे नहीं पता पाकिस्तान में कैसे होता है, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक चीज जारी हुई है और ये फिल्म के अंडर है, ये प्रेस के अंडर नहीं है। सो देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट प्रेस फ्रीडम। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर लोग बहुत लंबे समय से जो जर्नलिज्म के साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी एजुकेशन का बैकग्राउंड जर्नलिज्म का है, जिनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड जर्नलिज्म का है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत खुश भी हैं, क्योंकि इट हर्ट्स देयर प्रोफेशनलिज्म। यूट्यूब पे डाल दिया या आपने कहीं पे डाल दिया कंटेंट अपना, और आप उसको अगर कोई कहे तो आप कहेंगे साहब ये तो फ्रीडम ऑफ प्रेस को चैलेंज किया जा रहा है। तक आपका मीडिया जो है बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा करता है, बहुत ज्यादा हेट स्पीच होती है और जिस तरह की डिबेट्स होती हैं, तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा मीडिया का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना? एक बात मैं आपको विद सर्टेनिटी बताता हूं कि जो एक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स हमारे डिबेट्स के अंदर से निकल के आता है, एक प्रस्पेक्टिव निकल के आता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार इंडिया पाकिस्तान का कोई डिबेट आता है, उसके अंदर मैं नाम नहीं लूंगा एक वो अपने आप को उसका, चल कोई बात नहीं, वो राजा भिखारी में मैं नहीं घुसता, पर वो कई लोग ऐसे आते हैं उनको यही नहीं समझ में आता कि उन्हें बात क्या करनी है। अब आपसे एक सीरियस डिस्कशन हो रही है, अगर आप सीरियस डिस्कशन को आप घुमा के ले जाएंगे कि साहब 27 फरवरी को जी जहाज गिरा था और अभिनंदन को हमने चाय पिलाई थी, बस फैंटास्टिक, तो भैया आपके भी तो 93,000 फौजियों को यहाँ बिठा के हमने गाजर मूलियां छिलवाई, उनकी पतलून उतारी, उनके रैंक उतारे, मतलब ये बातें अच्छी नहीं लगती, बट वो उनका शुरू ही वहां से होता, अपन क्या करें। जैसे ये जंग खत्म नहीं हुई ना 70 सालों में, ये आर्गुमेंट भी कभी खत्म नहीं होगा। क्यों? कारण ये कि आपकी तरफ के जो मेजोरिटी लोग हैं, मैक्सिमम लोग हैं, वो इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है कि चार जंगे हारे। देखिए पहली चीज तो ना, लेट अस स्टार्ट विद दिस, यहां से शुरू करना चाहिए सबसे पहले कि भारत का और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है, वी आर इनकम्पेरेबल। पैसे के लिहाज से बात करेंगे तो हम धन्ना सेठ हैं इस एरिया में, हम भामाशाह हैं अगर आप पैसों के लिहाज से बात करें। अगर आप मिलिट्री माइट के लिहाज से बात करेंगे तो यहाँ पे वो जो है ना वो मिसमैच है, बड़ा मेजर मिसमैच है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, और यही चीज शायद नुकसान भी कर रही है कि बार बार बिल्कुल हिस्ट्री भी हमें सही पढ़ानी पड़ेगी अपने स्टूडेंट्स को, और बताना पड़ेगा कि कौन सी जंग हमने जीती और कौन सी हारी। वो आप सही कह रहे हैं। लास्ट में मैं आपसे बस ये पूछना चाहूंगी कि अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी ने कोई पुशअप्स मैंने सुना निकाले हैं, और फिर एक हाथ से निकाला है, और इस तरह से तो आपके ख्याल से बीजेपी से कौन निकालने लगा, क्योंकि उनकी बहुत तारीफ हो रही है राहुल गांधी की? आपने बड़ा अच्छा कहा पहले कि आप अपनी आने वाली नस्ल के लिए एक बेहतर एनवायरनमेंट छोड़ के गए, और उस डायरेक्शन में आप लोगों को बहुत कुछ करना पड़ेगा, नॉट ओनली रीराइट योर हिस्ट्री, आपको दोबारा अपना इतिहास एक बार पढ़ना पड़ेगा, दोबारा लिखना पड़ेगा इतिहास। और आप, मैंने जैसे पहले कहा था एक दिन, आपको तालीम और तरबियत दोनों चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। डेली तालीम देते रहेंगे, तरबियत पे ध्यान नहीं देंगे, तो आपको ओसामा बिन लादेन जैसे इंजीनियर मिलेंगे। तो ये मसला आपके मुल्क का है, वो थोड़ा सा करना आपने है, एफएडीएफ की ग्रेजुएशन से आपने निकलना है, हमने आपको नहीं निकालना।
हमने आपको पैराशूट नहीं देना। दूसरी बात आपने कही राहुल गांधी की, कभी वो तैरता है, कभी वो नाचता है, कभी वो पुशअप निकालता है। भाई हिंदुस्तान को एक अच्छा लीडर चाहिए, जिम इंस्ट्रक्टर नहीं चाहिए। निराली है साहब, बड़ा मजा आता है इनको सुन के, और शाम को ये टीवी पे आ जाए तो सारे दिन की थकन उतर जाती है, ऐसे रिलैक्स हो जाता आदमी कि गजब हो गया आगे भी, ये आदमी रोज टीवी पे आना चाहिए। तो हमारे को लीडर चाहिए, हमारे को जोकर नहीं चाहिए, और ये पुशअप पुशअप पतन क्या है, ये ठीक है, हमारे को जिम इंस्ट्रक्टर नहीं चाहिए। और आप, मेरे को नहीं पता सरकार की तरफ से किसको खड़ा करेंगे अगर ऐसा कोई कंपटीशन हुआ तो, पर मैं फिर भी बताऊंगा आपको, फिर भी बताऊंगा, फिर आएगा। क्योंकि उनकी दादी के असैसिनेशन के बाद उनके पिताजी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे हिंदुस्तान के, उनके देख रेख में जिस तरीके से एक एंटी सिख प्रोग्राम हुआ यहाँ पे, जो एक तरफा मैसेकर हुआ, एक तरफा स्टेट स्पॉन्सर जियोसाइड हुआ सिखों का, उस कत्लोगारत के बाद जो बेवाएं हैं, जो माएं हैं, जो बहने हैं, जो भाई हैं, जो बाप है, उनके आंसू है ना, जो उनकी जो बद्दुआएं है ना, वो बद्दुआएं इनके ऊपर है। तो इनके परिवार से प्रधानमंत्री, मैं ये मानता हूं कि ना होना चाहिए ना कभी होगा। तो मैं आपको यही एक सुझाव दूंगा, मेरा मशवरा है आपको, आप भी बहुत सीरियसली मत लिया कीजिए, देखा करो, हंसा करो, ठीक है। और आपके पास भी है एक पप्पू आपके मुल्क में, वो आजकल आपका वजीर आजम है, उसको भी देख के आप एंजॉय करा करो, हंसा करो, और सीरियसली मत लिया करो। आप वाला तो 7 बजे के बाद थोड़ा सा हिलता है, हमारा तो 24 घंटे। मुझे तो वैसे ही हंसी आती है, और मैं तो खैर डिबेट्स में भी हंसती रहती हूँ, और आप लोग जब लड़ रहे होते हैं तब भी मुझे हंसी आ जाती है। तो लेकिन ये कि बहुत शुक्रिया रामनिक सिंह जी कि आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच अगेन कि आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। सत श्री अकाल, नमस्कार, जैन जी।